Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. मंसूर ने मुझसे कहा वो चेकअप के लिए मुझे शहर लेकर जाएंगे, तो मैं वहां रहते में ही अब वीरे से राबते की कोशिश। ना 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 समन, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो कभी आपसे लिफ्ट ना लेती। अगर मैं आपकी मजबूरी ना देखता तो आपको कभी लिफ्ट भी ना देता। मेरी तो सब औलाद निकम्मी और नाफरमान निकली। एक तो मुंह काला करके भाग गई, बाकी दो से क्या अच्छी उम्मीद रखूं मैं। एक बार मार देने का मतलब है कि मैं उसकी मुश्किल आसान कर दूं। तड़पा तड़पा कर मारूंगी उसे। मुझसे माफी मंगवाएगी वो मुझसे। मुझे क्या कह रहे हो, मैं तो सिर्फ मैसेज पास करी हूँ उसका। मैंने सुना है हन्नान ड्रग्स लेने लगा है। किसने कहा आपसे? गुलबानो कितनी खुश है ना, ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ माँ जी। जिनके दिल काले पड़ चुके हो ना, वो कभी भी दूसरों की खुशी में खुश नहीं होते। समन जी आई हैं, उन्होंने बुलाया है मुझे। जाहिर है मैं तो बुलवाने से रही। इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले, एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। माँ बाप से मिलना तो बस एक बहाना था, असल में तुझे अपने आशिक से मुलाकातें करनी थी। मंसूर साहब आपको गलत, मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने की हिम्मत मत करना। मेरा तो दिल चाहता है मैं आपको जान से मार दूं, मैं खुद ही मर जाऊं। फिर कैसी हो? पापा जी आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती? ज्यादती तो उस वक्त हुई थी जब तुझे परवान चढ़ाया था मैंने। तेरी जैसी औलाद से तो बेहतर था मेरी कोई औलाद ही ना होती। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। आपकी गुलबानों किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। इससे अच्छा था पैदा होते ही मर गया होता। तेरा मुजरिम तेरे सामने खड़ा, इसे इतना मार के इसके बाद किसी की इज्जत से खेलने की हिम्मत ना करे। पकड़ा छड़ी मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पकड़ा छड़ी। I'm so sorry. मैंने देखा नहीं था। अब कह दीजिए कि ये गलती से हुआ है। कितनी अजीब बात है ना, आप अमीर लोगों से हर गलती गलती से ही होती है और फिर सॉरी कहते हैं और सब ठीक हो जाता है। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। अगर जानबूझ के किया होता तब कौन सा मान लेते हैं आप? क्या आप मुझे कुछ कहने का मौका तो दें। आपको मौके की जरूरत है क्या? आप अमीर लोग क्या जाने, हम गरीब लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं। आप लोग तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और हमारी जिंदगी का सुकून दरहम बरहम करके निकल जाते हैं। इंसानियत के जज्बे से महरूम लोग होते हैं आप। और आप क्या समझती हैं, मसले सिर्फ आप ही की जिंदगी में? सारी आजमाइशें दुनिया की अल्लाह ने सिर्फ आप पे डाली हुई हैं। गुर्बत से हटके भी 10 मसाइल होते हैं बीबी। बाजों का जेब और पेट दोनों भी भरे हो ना तब भी खुशी नहीं मिलती। लेकिन खैर ये बातें आप क्यों सोचेंगी, क्योंकि आपने तो कभी अपने मसाइल से निकल के दुनिया वालों के मसाइल के बारे में तो सोचा ही नहीं, है ना? खैर मैंने सीरियसली देखा नहीं था, आई एम वेरी सॉरी।
तो चाहता है कि तुझे मार मार के तेरा हश्र कर दूं, लेकिन ये बच्चा मंसूर, मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मेरा वली से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको हमारे होने वाले बच्चे का वास्ता। यकीन करो, वो भी तुम्हारा, तो जैसी औरत का कौन यकीन करेगा। आओ, तो रो क्यों रही है पुत्र? मंसूर को कुछ हुआ है? नहीं माँ जी, मंसूर को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर किस्मत तो मेरी ही बुरी है ना मेरी धीना, तुझे तो अल्लाह ने बहुत भाग लगाए। बहन जी, इसकी बातों का बुरा ना मना। ना बहन जी ना, ये मेरी नो थोड़ी, ये तो मेरी धी है और अब तो मेरे पोते की माँ भी बनने वाली है। अब तो ये कत्ल भी करे तो वो भी माफ कर दूं। और मियाँ बीवी में तो छोटी छोटी रंजिश हो जाती है ना। मंसूर गुस्से का तेज है, मगर समन जानती है कि वो बहुत बड़े दिल का है। मंसूर अभी नाराज होके गया है, थोड़ी देर में चंगा भला हो जाएगा, है ना? क्यों समन? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी भाई ठीक ना हुए ना तो भाभी उन्हें ठीक कर लेंगी। क्यों भाभी? और देखना भाभी, जिस दिन मेरा भतीजा इस दुनिया में आएगा ना, मैं पूरी दुनिया में मिठाइयां बांटूंगी। पर तू झल्ली हो रही है, अकेली बैठ बैठ के क्या क्या सोचे जा रही है। अल्लाह ताला ने तो तुझे बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, हर औरत को नहीं नवाजता। अब आप इसकी गोद भराई की रस्म की तैयारी करें, मैं अपनी नूह को ना दुल्हन की तरह सजाऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रब खैर करे। गुर्बत से हटके भी 10 मसाइल होते हैं बीबी, बाजों का जेब और पेट दोनों भी भरे हो ना तब भी खुशी नहीं मिलती। शायद वो ठीक कहते हैं, मुझे अपने अलावा किसी और के मसाइल नजर ही नहीं आते। सानिया, सानिया। हाँ, चाय बन गई क्या? चाय तो बन गई है, पर तुम किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, चलो मैं आती हूँ। आ जाना, ठंडी हो जाएगी वरना। हाँ, आवाज नहीं आ रही क्या? जी आ रही है। तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? खाना खाया क्यों नहीं खाया? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं, खाना खाया या नहीं खाया? अभी नहीं खाया। क्यों? भूख नहीं है। अगर मैं आके तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं तो खा लोगी? खैर, अभी तो मैं अपने गांव वाली हवेली के करीब पहुंच चुका हूं, पास होता तो खाना खिलाने जरूर आता। सुबह आ रहा हूं मैं, तुम खाना खा लेना। बच्चे की फिक्र नहीं है मुझे, तुम्हारी फिक्र है। और सुनो, आज तक माफी नहीं मांगी मैंने किसी से, इसलिए जब सुबह माफी मांगू तो पहली बार में माफ कर देना। समझ आई?
सुबह आ रहा हूँ मैं, इंतजार करना मेरा। अल्लाह हाफिज। पीछे रख, नीचे उतर। ए मंसूर अली नाम है मेरा, नीचे उतर, गाड़ी हमारे हवाले कर। ए हट पीछे, पीछे कर। अरे भाई प्लीज छोड़ दो, निकालो इसको बाहर, प्लीज निकालो बाहर। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो भाई। चलो भागो भागो यार। देख रही उस लड़के को? मैं तो यहाँ सारे लड़कों को देख रही। बात नॉटी हो, शाहनवाज नाम है उसका, मेरे नए बिजनेस पार्टनर का राइट हैंड है। कंपनी दो इसे, और हां बोरियत ना हो उसे। नए बिजनेस पार्टनर को उसके राइट हैंड के जरिए दिवालिया करेंगे। हम अपने दोस्तों की कमजोरियों पे भी नजर रखते हैं, न जाने कब दुश्मनी निभानी पड़ जाए। और मुझे क्या मिलेगा? डायमंड, डायमंड रिंग तुम्हारे कमरे में पहुंच चुकी है। फिर समझे आपका काम हो गया। इसमें आपको टेंशन, क्या कहता हूं आपको जी, लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, वो मैं बात कर चुका था। फरमाइए। क्या मैं थोड़ी देर आपके साथ बात गुजार सकती हूँ? मुझे एक और जगह भी जाना है, देर हो रही है। I'm sorry, मैं हुस्न का भी एहतराम होता है। वैसे मेरे साथ इतनी देर तो बात गुजारें कि मुझे अपनी नाकदरी का एहसास ना। इतना हुस्न देख चुका कि अब कोई चेहरा इन आंखों में टिकता ही नहीं है। यहां आपके हुस्न की कदर करने वाले बहुत मिल जाएंगे। मेरी तरफ से माजरत।
था मुझे ऐसे अमीर जादों से जो खुद को बड़ा पाक साबित करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। कभी तन्हाई में मिले ना तो औकात पता चल जाती है उनकी। था तो बहुत हैंडसम यार। हाँ तो जब वो अगली बार आए ना तो उस हैंडसम के कदमों में जाके गिर जाए और जब वो ठुड्डे मारकर आगे बढ़े ना तो मेरे सामने जख्म सहलाती है मत आना। अरे उसके हाथों पे तो जख्म भी संभाल के रखूंगी मैं। एक बार मुस्कुरा कर तो देखता मुझे। अब चलें कहीं मजर यहीं ना आ जाए। चलो उसका नाम ले लिया तुमने। नूर बाबा अंदर आइए। क्या बात है? सब नीचे पुलिस आई हुई है। पुलिस? जी साहब। क्यों? वो बात दरअसल ये है कि आप इस वक्त इतनी रात में यहाँ। मुझे हनान से मिलना है। देखिए बीबी छोटे साहब इस वक्त घर पर नहीं है। देखे देखे आप इस तरह घर में नहीं घुस सकती। ओए क्या तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मेहमान को रोकने की? हाँ किसने हुक्म दिया तुम्हें? साहब मेरी जिम्मेदारी है हर आने जाने वाले पे नजर रखना। मेरा काम है साहब। अच्छा जिम्मेदारी है तुम्हारी है। और किसने सौंपी तुम्हें ये जिम्मेदारी? हाँ जहांगीर लशारी ने या उसके उस नौकर शाहनवाज ने? छोटे साहब वो चुप बात कर रहा हूं ना मैं। अपना कान खोल के सुन लो। ये मेरी मेहमान है और अभी यही रहेंगे। कहाँ रहेंगी? जी जी सब मैं समझ गया। तुम्हें जाके जिसको भी बताना है ना बता दो, खास तौर पे उस शाहनवाज को। बहुत वफादार बन रहे हो ना तुम। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है साहब आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही होगा। अनाया तुम्हारा ही घर है और ये तुम्हारा मुलाजम है। आ जाओ। लाशारी सर को बताया? बड़े साहब को मैंने बता दिया है। साहब ने कहा था कि आपको भी बता दूं। मैं देखता हूं। मेरे बेटे का यहां क्या जिक्र? मिसेस लाशारी कानून के मामले में मुदाखलत ना करें, हमें बंगले की तलाशी लेने दें। आप लोग मेरे घर में बगैर वारंट के आ चुके हैं, इसी को गनीमत समझे। दो दिन से इनकी बेटी लापता है, आज ही इत्तला मिली है, वो यही है आपके बंगले में। आपको जिसने भी इत्तला दी है वो बिल्कुल गलत है। तलाशी ली जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ। अनाया मेरी बेटी, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आंटी हनान मुझे यहाँ जबरदस्ती नहीं लेकर आया, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। चलिए बाबा। डीएसपी साहब अरेस्ट है। मैंने कहा ना कोई हनान को कुछ नहीं कहेगा, मैं खुद यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरे ख्याल से अब सारी बातें क्लियर हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं प्लीज। कम ऑन हनाया। सॉरी लशारी साहब, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पे? छोड़ूंगी नहीं मैं, रोकूंगी मैं तुझे। नहीं, रुक जाओ, पागल हो गई हो? इधर दो मुझे। तुम्हें पहले भी समझाया था, यहाँ पे तुम्हारा कोई तमाशा नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारा बंदोबस्त नहीं करती, तुम इधर आराम से गीतियारा के कमरे में रहोगी। लेकिन कुलसुम, मुझे नहीं चाहिए ये कमरा, अपने पास रखे, पहले भी कह चुकी हूँ। चुप कर जाओ। किसी की जरूरत नहीं है कि गुलशन आरा से इस लहजे में बात करे। पता नहीं कहाँ से आ गई कल की लड़की। आई नहीं हूँ मैं, ला ही गई हूँ, वो भी जबरदस्ती। अल्लाह करे मर जाओ तुम सब। मरे हमारे दुश्मन और मरे सारी वो लड़कियां जो एक सेकंड में अपने माँ बाप का मुंह काला करती हैं और फिर हमें कोसती हैं। अब तुम मेरी बात कान खोल के सुनो। इधर देखो लड़की, इधर देखो। तुम जैसी हजारों लड़कियां यहां आती हैं। मैंने बहुत सी आड़ियां लड़कियों को सीधा किया है, तुम क्या चीज हो? बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप सीधी तरह लाइन पे आ जाओ, ना गुलशन आरा को टेढ़ी उंगली से घी निकालना बहुत अच्छी तरह आता है। गुलशन जी, गुलशन जी, गुलशन जी। हनान रुको, हनान। मॉम प्लीज यार, अभी मैं थका हूँ, सुबह बात करनी है। मुझे तुमसे अभी बात करनी है। अरे यार अनाया बता तो चुकी है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। फजूल के सवाल जवाब करके ना मेरा मीटर मत आउट करे। काश तुम्हें मैंने ये थप्पड़ बहुत पहले मारा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। मत रोके जहांगीर मुझे। कल सुबह टीवी चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज होगी ना, जहांगीर लशारी के घर से लड़की बरामद हुई है, तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ओ, तो आपको अपने शौहर के साख की फिक्र? हाँ, फिक्र है मुझे, बिल्कुल फिक्र है। तुम्हारी फिक्रें कर करके मैं अब थक चुकी हूँ। पता नहीं कादिर ने तुम्हारे दिमाग में क्या उल्टा सीधा भर दिया जो तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हो। फाइन, हूं ना बुरा? बहुत बुरा हूं ना? इज्जत मिट्टी में मिला दी ना आप लोगों की मैंने। तो पता है क्या, अनाया ना अपने बाप से नाराज होकर घर से निकली थी, उसकी फ्रेंड ने उसे डिच कर दिया और मैंने ये सोचा कि उसे घर ले आऊं ताकि वो बेचारी सड़कों पे ना धक्के ना खाए। तो मुझे मालूम नहीं था ना इतनी सी बात है ना आप लोगों की इज्जत हर्ट हो जाएगी। एंड यू नो व्हाट, मैं ना ये समझता था कि मैं कुछ भी कर लूं ना आप उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। हनान, इतनी परेशान क्यों हो रही हो भाई? वो अख्तर कहीं से उड़ा लाया है, पुलिस पीछे पड़ गई तो यहां छोड़ गया। थोड़े दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे साथ? मेरे साथ क्यों रहेगी? क्योंकि जितना तुम पे भरोसा करती हूँ और किसी पे नहीं करती, इसलिए। अगर उसने मुझ पर दोबारा से हमला कर दिया तो? खींच के थप्पड़ मारना तुम्हारा हिम्मत नहीं करेगी? वो ना सोते में मेरा गला दबा देगी, पता है मुझे। तुम तो डरपोक नहीं थी, क्या हुआ तुम्हें? जिंदगी बहुत प्यारी है मुझे, वरना अब तक मैं खुदकुशी कर चुकी होती। ओके, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आज रात के लिए बर्दाश्त कर दो, कल कहीं और किसी और कमरे में एडजस्ट कर लूंगी। तुम जानती हो ना तुम्हारी मर्जी बहुत अजीज है मुझे, प्लीज।
तुम्हारी फिक्रें कर करके मैं अब थक चुकी हूँ। पता नहीं कादिर ने तुम्हारे दिमाग में क्या उल्टा सीधा भर दिया जो तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हो। मैं ना ये समझता था कि मैं कुछ भी कर लूँ ना आप उनसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ेंगे। शमसा ने कहा वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो जहांगीर लाशारी के साथ शादी करना चाहती थी। किसी दूसरे शख्स के साथ घर बसाते हुए उसने एक बार भी नहीं सोचा तो मैं तुम्हारे बाप से दूर करके उसने कितना बड़ा जुल्म किया है। माफ करना अन्नान, शमसा किसी से मोहब्बत नहीं करती, तुमसे भी नहीं। You were right. बसा दिया गुलशन जी ने, ये लड़की तो मुझे बिल्कुल पागल लग रही है। पता नहीं कब उठाकर ये मार दे। क्या करूं, कैसे गुजरेगी ये पूरी रात, इतनी नींद आ रही है मुझे, सो भी नहीं सकती मैं। कब इसका दिमाग घूम जाए फिर से मुझ पे हमला कर दे। मंसूर ने हवेली पहुंचकर फोन नहीं किया। समन तो सोई नहीं पुत्र? माँ जी पता नहीं नींद नहीं आ रही है, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। रब खैर करे, मालिक साहब से कहूंगी लेटी डॉक्टर को बुलवा दें। उसकी जरूरत नहीं है माँ जी, अजाने भी शुरू हो गई है, अभी उठकर नमाज पढ़ूंगी तो शायद तबीयत बेहतर हो जाए। चलो अच्छी बात है, नमाज पढ़, मैं भी वजू करूं, नमाज पढ़। क्या
क्या है? शाहनवाज का फोन नंबर, अपना वादा पूरा करो गुलबानो। मंसूर की गलतफहमी को तुम्हें दूर करना होगा। कैसी गलतफहमी? प्यार तो तुम करते हो समन से। ये सच नहीं है। अगर ये सच नहीं है तो तुम्हें समन की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों है? चलो तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात सुनो मेरी गुलबानो, समन जी से मोहब्बत का तो पता नहीं है मुझे, पर हाँ तुझसे बहुत नफरत करता हूं, और इस बात पे तूने जो कसम उठवानी है ना मुझसे उठवा ली। लिहाजा समन जी पर लगे दाग को दूर कर, पर ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल यहां से। इतनी दूर रहते हुए भी अभी तक उन लोगों की फिक्र करते रहते हो? अम्मी जो कुछ भी हुआ आनिया ही गलती थी, घर वालों को भला क्या कसूर है उसमें? मेरा ख्याल है तैमूर की बरसी है, आप लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे। मैं हरगिज वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं जब जब उस गली से गुजरती हूँ मुझे वो सारी अज़ियतें याद आ जाती हैं जो उस लड़की की वजह से हमें सहनी पड़ी। उस घर में जाऊंगी तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ जाएगा। 2 साल हो गए तुम्हें गए हुए, क्या मैं नहीं जानती कि अभी तक तुम उस लड़की का गम अपने सीने से लगा के बैठे हुए हो? मैंने आपसे कहा था ना कि इस बारे में ना बात किया करें आप मुझसे। क्यों ना करूं मैं ये बात? कितना अरमान था मुझे तुम्हारी शादी का बेटा। वैसे एक दो लड़कियां हैं मेरी नजर में, तुम कहो तो मैं बाजिल को कह के तुम्हें तस्वीरें भिजवा दूं बेटा। अब्बू मेरा ख्याल है हम बाद में बात करते हैं। अरे बेटा किसकी बातों पर नाराज हो रहे? मैं पता तो है अपनी माँ की आदत का। अब्बू नाराज ना हो तो और क्या हो, मैंने आपको पहले भी मना किया कि इस टॉपिक पे बात ना करें, लेकिन आप फिर भी उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हलाफिस। आदिल, आदिल बेटा। अब आदिल आदिल करने का फायदा क्या है, पहले सोच कर बात किया करो। सोच सोच के तो दिमाग फटा जाता है। कितनी फिरौनक सी जिंदगी है मेरे बेटे की, अगर शादी के लिए राजी हो जाए तो मेरी सारी फिक्रें खत्म हो जाए। कैसी फिक्रें? बीमार रहती हूँ, आज अगर मुझे अल्लाह ने उठा लिया तो कम से कम ये तसल्ली तो होगी ना कि अपने बेटे का घर बसा के मरी हूँ। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। अगर रोने से मेरे दिल का वॉल खुलना होता ना तो कब का खुल चुका होता। काश ये बात तुमने मेरे दिल का वॉल बंद होने से पहले की होती। अब तो मुझे बाईपास करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बाईपास नहीं करवाया तो तुम जैसी मामूली शक्ल की लड़की से शादी कौन करेगा? एक बात सुन लो मेरी, चाहे मेरे दिल का एक वॉल बंद हो या मेरे दिल के चारों वॉल बंद हो जाए, उस दिल से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। मरने से पहले मैं तुम्हें अपने नाम करना चाहता हूं, बोलो मेरी मोहब्बत कबूल करती हो? भैकी भैकी बातें कर रहे हो, उससे वादा करो शो, अपने दिल में मेरी मोहब्बत को किसी मजार के दिए की तरह तुम हमेशा रोशन रखो। सो रही हूँ, देखो तो सही आकर, तुम अकेले नहीं गए हो तैमूर, मेरी पूरी कायनात अपने साथ ले गए हो। शफा तबरुक मंगा लिया है।
तुम भी आ जाओ, तैमूर के लिए दुआ कर ले। तुम जाओ, मैं आती हूँ। तैमूर को याद कर रही हो? बहुत अकेली रह गई हूँ मैं सानिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं था तैमूर इतनी जल्दी चला जाएगा। वेख मेरे साया जिंदड़ी मलूल, ये आसमान न छू सकी ख्वाहिशों की धूल, ये जिसको ढूंढे जाए मिल, जिसको ढूंढे जाए मिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल, ये कहाँ बसाते दिल। हम सभी अकेले रह गए शफा। भाभी ये देखिए। और ये देखिए कितना अच्छा है ना, और आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। छोटी बीबी, क्या हुआ जनता? वो जी, अब बोल भी दे क्या हुआ है? मंसूर भाई को डाकुओं ने गोली मार दी, मैयत लॉन में पड़ी है भाजी। बिसाते दिल। Hi, this is Harish Waheed. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content, and please keep watching Bisate Dil only on Hum TV.